सो व्हाट्सअप गाइज, दिस इज नितिक एंड अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेवल्स पे। सो गाइज, कैसे हो आप सारे? आई होप हमारी तरह आप भी बढ़िया ही होंगे। तो गाइज, आज का हमारा जो वीडियो होगी ये कहीं का ब्लॉग नहीं होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो हमें यार काफ़ी ज़्यादा बंदों के मैसेज आ रहे थे, हमने कमेंट सेक्शन चेक करी अपनी, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बंदों के कुछ क्वेश्चन रिलेटेड कमेंट थे। तो यार मतलब ऐसे मुश्किल था बताना, तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए जिसमें आप सभी के क्वेश्चन की आंसर दे दिया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, सभी से ज़्यादा बार जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि भाई आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, कौन सा कैमरा यूज़ करते हो अपने ब्लॉग शूट करने के लिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि मैं यूज़ करता हूँ 3 फ़ोन, मतलब ब्लॉगिंग के लिए, वीडियोग्राफी के लिए। तो सबसे पहले तो ये जिसे मैं अभी कर रहा हूँ, ये मेरा रेडमी नोट 8 प्रो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है यार। मैक्सिमम मैं अपने ब्लॉग इसी से शूट करता हूँ। और जो दूसरा फ़ोन है मेरा, ये है सैमसंग गैलेक्सी A7, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, तो इससे भी मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग शूट अप करता हूँ। तो मतलब ट्रिपल कैमरा फ़ोन है, काफ़ी ज़्यादा सही रिस्पॉन्स है इसका भी। और जो तीसरा फ़ोन है वो ये है रियलमी का U1, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा सही रिस्पॉन्स है। तो भाई यही यूज़ करता हूँ मैं अपने ब्लॉग के लिए। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये करता हूँ रेडमी नोट 8 प्रो, पर जहाँ मतलब ज़रूरत हो सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह की, तो सिनेमैटिक शॉट्स के लिए मैं मैक्सिमम यूज़ करता हूँ इसको, सैमसंग गैलेक्सी A7 को। आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि यार आप अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से लाते हो। तो भाई आपको बताते हैं कि हम बैकग्राउंड म्यूज़िक लाते हैं अपना NCS नॉन कॉपीराइट साउंड से। अगर किसी को अपने ब्लॉग के लिए हमसे चाहिए हमारी यूज साउंड, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उनको अपनी साउंड सारी की सारी साउंड दे सकते हैं। आते हैं आप सभी के तीसरे क्वेश्चन पे। तो आप सभी का तीसरा क्वेश्चन ये था कि आप एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जो पहला ब्लॉग एडिट कर रहा था वो कर रहा था मैंने काइन मास्टर से, जो ये काइन मास्टर का एक मोड वर्जन था, पर इसमें थोड़ा सा पिक्सल क्रैकिंग की प्रॉब्लम आ रही थी जिसके चलते हमें इसको चेंज करना पड़ा। तो अब मैं यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए Adobe प्रीमियम प्रो CC 2019, और दूसरा मैं करता हूँ वंडरशेयर का Filmora 9। तो किसी को चाहिए ये सॉफ्टवेयर तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसको दिलवा सकता हूँ। तो इनका थोड़ा सा ट्यूटोरियल मैं आपको बताता अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। गाइस, ये रहे अपने दोनों सॉफ्टवेयर, ये वंडरशेयर का Filmora 9 और Adobe प्रीमियम प्रो 2019 ये, और मैं आपको बताता हूँ इसका थोड़ा सा ट्यूटोरियल। तो ये रहा अपना प्रीमियम प्रो, ये प्रीमियम प्रो का इंटरफेस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सही, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सही एडिटर का, थोड़ा चलाने में टिपिकल है पर सही है, सीख जाए बंदा तो अच्छा है। और दूसरा सॉफ्टवेयर ये है अपना Filmora, ये भी काफ़ी ज़्यादा सही एप्लीकेशन है, चलाने में भी ज़्यादा इतना टफ नहीं है, सही एप्लीकेशन अच्छे से वर्क कर रहा है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आपका ये प्रीमियम प्रो काफ़ी ज़्यादा सही है, इसको ही आप यूज़ करें। गाइज, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। तो अगर आपके इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके या डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं, हम उसके भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमारा बहुत ही अच्छा एक नया ब्लॉग आ रहा है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत ही जल्द।